सो हेलो एंड जय हिंद एवरी वन क्या सो आप सभी आई थिंक सभी सभी बेस्ट मस्त एंड बिल्कुल बड़े होंगे वीडियो का मेन टॉपिक बता देता तो, हूँ अभी से जो पहले एग्जाम हुए थे पहले कब हुए थे आपको पता है क्या नवंबर पे एग्ज़ाम हुए थे फोर टू एट नवंबर के बीच में अभी नेक्स्ट ईयर फोर्स का एग्ज़ाम कब होगा एट्टीन टू ट्वेंटी टू अप्रैल के बीच में ठीक है तो इसके लिए भाई साहब जो नवंबर पे पेपर हुआ था उसके लिए जो क्वेश्चन आए थे ऑलमोस्ट मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बोलूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ यार पहले दिखाई देता हूँ फिर उसके बाद बढ़ते हैं बेसिकली अपने सर हैं शुभम सर तो उन्होंने बोला था कि आप वो क्वेश्चंस मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए तो मैंने ऑलरेडी उनको क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दिए थे अभी से लगभग जब एग्ज़ाम हुआ था तभी मैंने किए थे ठीक है तो सर ये मैंने मतलब खुद की रेटिंग पे किए थे तो ऑलमोस्ट देखो थर्टी थ्री पेजेस पे ये हैं जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आया था आपका उस शिफ्ट में आप देख सकते हो एक सेकेंड रुकना उसके बाद ऐसा कुछ वी बराबर आई आर पी वी मतलब ये ये क्वेश्चन आपके आए हुए थे एयरफोर्स के एग्जाम पे ठीक है विश्व साक्षरता दिवस डिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है और बानवे बानवे आस्कर अवार्ड से कुछ समथिंग था ऐसे करके कितने हैं टोटल ऐसे इसमें देखते इसमें क्लियर होगा फ्यूटल का सैन्य में आया था इंडिविजुअल वर्ड का स्पे, स्पेलिंग था हु कैन नॉट डाई का वन वर्ड था तो ये कुछ थे ठीक है कितने हैं टोटल थर्टी थ्री यहाँ पर ये अब थर्टी थ्री पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आप नहीं काउंट कर सकते अभी मैं और दिखाता हूँ अभी इतने से इनफ नहीं होता सिक्सटीन पेजेस ये तो थर्टी थ्री सिक्सटीन सिक्स थ्री नाइन फोर नाइन फोर्टी फिफ्टी पेजेस अब एक पेज में कितना क्वेश्चन आप एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला ओपन कर देता हूँ चलो ये दूसरी साइड में दूसरी तरह का है ये वाला भी हटा देते हैं यहाँ पे कुछ दूसरा सीधा वाला आ जा भाई और तो एक सेकेंड सॉरी क्या ओपन हो गया जैसे मैंने ये पेज ओपन किया ठीक है ये पेज मैंने ओपन किया तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एक पेज में सेवन क्वेश्चन ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इसमें नाइन क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट मैं नंबर ऑफ पांच क्वेश्चन भी बोलता हूँ ना तो पचास गुणा पाँच कराओगे इतना ही नहीं खत्म होते हैं यहाँ पे भाई साहब और भी हैं क्वेश्चन यहाँ पे ट्वेंटी थ्री पेजेस ये हैं ठीक है ट्वेंटी थ्री अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आप काउंट कर सकते हो क्या चलो काउंट कर लेते हैं कितने एक में एक आया था केमिन फर्स्ट शिफ्ट पे आए हुए थे एक था दो था तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह आगे देखते हैं इसमें आप तो काउंट ही कर लो।, लो चलो काउंट कर लेते हैं वन टू इसमें काउंट भी यहाँ तक एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एटीन क्वेश्चन एक पेज पर ठीक है तो ये देखो ट्वेंटी थ्री ये है उसका ट्वेल्व ये है फाइनली ये मैंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखे थे मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये देखो चल तो आगे बढ़ाता हूँ ठीक है वैसे हैं तो ए, इसका देखो ए, ये क्वेश्चंस आपको कहाँ पे मिलेंगे पहला नंबर तो मैं इसका बताता हूँ दूसरी बात यहाँ पे और ये क्वेश्चन मैंने सर को फॉरवर्ड किए थे तो उन्होंने मुझे परीक्षा ऐप के ये ऑलरेडी मैंने डिलीट कर दिए ये क्वेश्चन है आपसे स्क्रीन शॉट लिया ढूंढ के मतलब इन्होंने सर ने आ, मतलब ये मुझे फॉरवर्ड किए थे परीक्षा ऐप के टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आए हुए थे तो उन्होंने मुझे भेजे थे और बाकी मैंने खुद बनाया था इसके रिगार्डिंग एक वीडियो कि यहाँ से क्वेश्चन आए थे इनको आप वीडियो में शो कर सकते हो ग्रुप के लिए ऑलरेडी मैंने भाई सब ये क्वेश्चन उनको इसलिए फॉरवर्ड किया था कि अभी जो न्यू टेस्ट क्योंकि मुझे पता होता है कि एयरफोर्स का एग्जाम कैसा आएगा और इस बार कैसा आया था तो वो न्यू जो अप्रैल वाला बैच के लिए न्यू टेस्ट आया ना तो इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे वहाँ पे न्यू टेस्ट बनाए गए हैं ऑलरेडी और इन क्वेश्चन की रही बात तो पहला नंबर मैं बता दूं ऐसे तो मैं ये फोटोज़ आपको फॉरवर्ड करने वाला नहीं हूँ क्योंकि इन्हें कलेक्ट करने में और लिखने में टाइम बहुत लगा है हाँ बट करूँगा जरूर कैसे करूँगा मैं बता देता हूँ आपको पीडीएफ वाले फॉर्मेट में मैं जल्दी बनाऊँगा लेकिन दम मत कर देना कि अभी दो तीन दिन नहीं दिए तो दम किए पढ़ो तो पहला नंबर तो मैं ऐसे यूट्यूब चैनल पर डेली ए, मतलब कराऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऑलमोस्ट फोटी फिफ्टी ट्वेंटी मैथ्स का हुआ तो फिर कम कराऊँगा क्योंकि मुझे भी आता ही है ठीक है जो मुझे बेटर लगेगा वो मैं तो कराता ही चलूंगा ठीक है और दूसरा नंबर हो सके तो इसका मैं टाइपिंग कराता हूँ टाइपिंग करा के या खुद टाइपिंग करता हूँ और उसके बाद ये आपका जल्दी इसका पी वाले फॉर्मेट में इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना इनसे आपको ये पता चलेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कि पेपर में आते हैं तो डेफ़िनेटली और रहा टेस्ट का तो देखो प्रैक्टिस आप इससे समझ सकते हो देख सकते हो और सेम टू तो सेम यही क्वेश्चन बहुत लड़के ये बोलते हैं कि भैया परीक्षा पर टेस्ट काफ़ी ईजी है मैं आपको एक बात बता दूँ एयरफोर्स के एग्जाम में वहां पे उस बार 40 टेस्ट दिए हुए थे एयरफोर्स एक स्वरूप पे और उसमें एक भी टेस्ट ऐसा नहीं होगा जो एयरफोर्स में जितनी भी शिफ्ट हुई हुई हैं ठीक है ना इतना इजी आया एयरफोर्स का पेपर तभी 43 नंबर कट टॉप गया नहीं तो 27 नंबर का टॉप गया उससे पहले 28 नंबर का टॉप गया मतलब ऑफ आपका कैंडिडेट आप पे नहीं डिपेंड करता ऑफ आपके एग्जाम पैटर्न पे डिपेंड करता है आपका पेपर जो आता है वैसा डिपेंड करता है उस पर डिपेंड करता है तो यही सारी की सारी चीज़ें हैं तो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हो डेफिनेटली यहाँ देखो ऐसा कुछ नहीं है मैंने देखो यहाँ पे उनको कोस्ट गार्ड के लिए भी भेजा था उनका देखो अपनी तरफ से मैंने सिलेबस वगैरह लिख के भेजा था ये कोस्ट गार्ड का दिखाता भी हूँ आपको रुकना ठीक है तो ऑनलाइन टेस्ट टेस्ट के लिए आप डेफिनेटली प्रिफर कर सकते हो कोस्ट गार्ड के लिए यहाँ पे बता दिया था स्टेज फर्स्ट इज कम्पलसरी फॉर एवरी ठीक है उसके बाद यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया था मैंने ये भी बता दिया था एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी ये तो ऐसा हो गया मतलब इन क्वेश्चन को जो मैं जल्दी आपको दे दूंगा बट बट इन क्वेश्चंस को आपको लेना है ना तो आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन डाउनलोड मतलब कि ज्वाइन कर लेना है ओ एन एल आई एन ई डी यू सी ए टी आई ओ एन बाकी मैंने परीक्षा आपको ऑलरेडी ओपन कर रखा है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ऐसा नहीं है कि गड़बड़ भाई सब आपके लिए बेस्ट है कम प्राइस में अच्छे टेस्ट मिल जाते हैं यहाँ पे आपका एग्ज़ाम है कोस्ट गार्ड का नाविक डी बी जी डी सब के एग्ज़ाम है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आके ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो मैंने ऊपर डिफेंस सेक्शन को सेलेक्ट किया उसके बाद टेस्ट सेक्शन को सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने उसी टाइप के कराया देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता भी हूँ और सबसे बड़ी बात ये आपके पंद्रह टेस्ट है ना इनको मैं तीस पक्का करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले अगर आप बाई करोगे ना तो आपको तीस टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे तो आपको दोबारा बाई करने का निर्ड नहीं पड़ेगा बट हाँ जैसे आप कोई भी टेस्ट एक बाई करना चाहते हो जैसे मैं बोलता हूँ आप एक बार बाई कर लेते हो दोबारा आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको जैसे मैंने ऑलरेडी एयरफोर्स वाई ग्रुप का और नवे सार डबल ए और एम का बाई कर रखा है जैसे मुझे करना है अप्रैल वाले ठीक है तो एयरफोर्स अप्रैल स्पेशल मैंने इस पर क्लिक किया और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे अनलॉक कोर्स का ऑप्शन आएगा जैसे ही आया अनलॉक कोर्स पर क्लिक करो यहाँ पर कूपन कोड का ऑप्शन आएगा आपको ऑनलाइन डी फिफ्टी डाल देना है ऑनलाइन डी फिफ्टी डाल दो ऑनलाइन डी फिफ्टी जैसे ही आपने ऑनलाइन डी फिफ्टी डाला सामने आपको अप्लाई कर देना है जैसे ही अप्लाई करोगे तो कूपन कोड अप्लाइड वन हंड्रेड फिफ्टी का छूट मिल जाएगा और एक सौ पचास रुपये बस आपको पे करने पड़ेंगे कंटिन्यू वन पे गूगल पे फोन पे टी एम पे टी एम से कर दो अभी कहोगे भाई अब दोबारा मुझे मान लो कोस्ट गार्ड का लेना है तो फिर एक्सप्लोर वाला करना ठीक है डायरेक्ट कभी भी एक्सप्लोर मत करना क्योंकि इससे नुकसान ये हो जाता है अनलॉक कोर्स यहाँ पे थ्री मंथ सेलेक्ट करो कॉन्टिन्यू वन पे पर जाओ और यहाँ पे आपको वन हंड्रेड मतलब ऑनलाइन डी फिफ्टी डालो उसका अप्लाई कर दो तो केवल एक सौ दस रुपये लगेंगे अभी इसके सब जितने सारे टेस्ट हैं ना वहाँ सब के सब टेस्ट मिल जाएंगे मतलब जितने टेस्ट हैं यहाँ पे जितने भी टेस्ट हैं एन डी एयर आर्मी कोस्ट गार्ड डी बी जी डी आर्मी जी डी और एयरफोर्स एक्स अप्रैल एयर एक्स एंड वाई सब के सब टेस्ट आपको मिल जाएंगे बाकी एज यूर वेस्ट जो आपको बेस्ट लगे इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ लेना मैं रिप्लाई कर दूंगा बाकी थैंक यू जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट